Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost. Hello everyone, my name is Ashyam Upadhyay, student of King George Medical University Lucknow 2022 batch. मैंने यहाँ पे उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे लिख लिया है जो भी बीएससी नर्सिंग 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर में मैंने एग्ज़ाम दिया था उसके बेसिस पे जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे तो मैंने उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे लिख लिया है। तो उसी के बेसिस में मैं यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं उसी के बेसिस में मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया था, बाकी जैसा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन सबको मैं ध्यान रखते हुए यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स को मैंने लिखा है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है क्या है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे फाइव पूछ लेगा कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है किसने दिया था और इसमें कौन कौन से, मतलब जो पांच क्लासिफिकेशन है तो तुमसे पांच, मान लो चार दे दिया, ठीक है चार दे दिया, उसमें एक जो है ऑड रहेगा। ठीक है, तुम्हें ऑड को पहचानना होगा कि हाँ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा क्या, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में भी वही नॉर्मल चीज़ें, मेंडल, जैसे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट पूछ लेगा, कुछ फार्मूले उसमें हैं जो मेंडल ने दिए थे, रेशियो जैसे होता है रेशियो पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, जैसे क्या होता है रेशियो के क्वेश्चंस हो गए और मेंडल इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इनसे जो क्वेश्चंस होते हैं बस इन्हीं से आते हैं, बाकी और ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं सेल थियरी एंड सेल स्ट्रक्चर। जैसे इसमें पूछ लेगा कि जो सेल थियरी है किसने दिया था, ठीक है, और सेल थियरी जो है, सेल स्ट्रक्चर, इसके मॉडल कौन कौन से आए हैं, तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं इस टॉपिक के अंडर पूछ सकता है। उसके बाद आता है जैसे माइक्रोब्स इन डेली लाइफ। ठीक है, कि जो एनसीईआरटी के 12 का चैप्टर है माइक्रोब्स इन डेली लाइफ, तो माइक्रोब्स इन डेली लाइफ में जैसे कि पेंसिलियम, जो नोट आइटम होता है पेंसिलिन जिससे बनता है, तो ये क्या है, फंजाई है कि बैक्टीरिया है, वायरस है, तो ये सब पूछ सकता है। ठीक है, और जो फंजाई, जो पेंसिलियम नोट आइटम होता है इसमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, स्पोर होता है, क्या बनता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें भी पूछ सकता है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या, रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से, इसको मैंने देखो डबल स्टार दिया है क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे कम से कम चार से पाँच क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं छठा जो है, मिनरल्स एंड एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें भी तुम्हें चीज़ें, मतलब जो ये भी प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है मिनरल्स एंड एसेंशियल एलिमेंट्स, तो ये भी ऐसे पूछेगा कि एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ें इसमें पूछता है। अब फिर आता है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पूछ लेगा कि, है ना, मेजर जैसे तुम्हें ऑप्शंस देगा कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिस्टिंग्विश करता है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल से विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, और अब बात करते हैं क्या, प्लांट एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये भी पूछता है बहुत ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये भी इससे भी आराम से दो से तीन क्वेश्चन आते हैं, जैसे आम हो गया, है ना, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है क्या होता है, तो ये सब चीज़ें पूछता है। ठीक है, और ये अच्छे से कर लेना है चीज़। ठीक है, इसमें मैं एक सिंगल स्टार देता हूँ क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट उतना क्वांटिटी में नहीं, अमाउंट में नहीं पूछा जाता जितने कि अदर टॉपिक्स पूछे जाते हैं, बट हाँ क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन एंड प्लांट फिजियोलॉजी की। ठीक है, तो ये भी देखो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ट्रिपल स्टार देता हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी अभी मैं इसको नीचे फिर से बताऊँगा कि कौन क्या क्या पढ़ना है इसमें, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, ह्यूमन एंड प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, इससे आराम से मान के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ इसी सिंगल टॉपिक से आएंगे, जो चैप्टर है ह्यूमन एंड प्लांट फिजियोलॉजी, इन्हीं चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चन आराम से पूछेगा, तो इसको बहुत ही अच्छे से करके टॉपिक जाना है। फिर आता है एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से करके जाना है। फिर आता है बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें एंजाइम्स पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, क्या, इसमें तुम्हें एंजाइम्स अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आता है सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन में जैसे कि सेल डिवीजन जो होता है कितने टाइप का होता है, जैसे कि मियोसिस, माइटोसिस,
फिर मियोसिस में एक एक जो है मदर सेल से कितनी सिस्टर सेल बनती है, कि डॉटर सेल कितनी बनती है, ठीक है, माइटोसिस में एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल बनती है, तो ये सब चीज़ें। बाकी मियोसिस का कितने जैसे एस फेज होता है, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, ठीक है, तो ये भी अच्छे से पढ़ लेना टॉपिक। फिर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी अच्छे से करके जाना है, प्रोटिस्टा पढ़ लेना, फंजाई एंड वायरस, जिसमें कि वायरस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं, और पिछले साल भी क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन वायरस से आया था, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं हर साल। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो चैप्टर हैं वो कितने, 7 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। पहला है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दूसरा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एंड छठवां है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सातवां है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो ये जो जितने भी मतलब ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, डाइजेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, लोकोमोशन मूवमेंट, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको मैं 5 स्टार देता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अकेले तुम्हारे 10 से 15 क्वेश्चन बड़े आराम से पूछे जाते हैं, और तुम्हें इसको बहुत ही अच्छे से करके ये जो यूनिट है ना, इसको अभी अगर तुम नहीं पढ़े हो तो फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दो, देखो, और अभी इतना तुम्हारे पास देखो सफिशिएंट टाइम है कि तुम आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते, क्रैक कर सकते हो। अगर तुम जो मैं टॉपिक्स में बताऊंगा अभी, अभी तो मैं केवल बायोलॉजी बता रहा हूँ, बाकी मैं तुम्हें आने वाले दिनों में मैं तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री के भी जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं या फिर टॉपिक्स में उनको बता दूंगा, ठीक है, तो उनको भी अच्छे से कर लेना। बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड मैंने कहाँ से किया था, GK इंग्लिश पूछ रहे हैं बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में, तो मैं वो भी चीज़ें बता दूंगा कि तुम्हें पढ़ना कहाँ से, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये बायोलॉजी का पोर्शन था, तो अभी देखो तुम्हारे पास इनफ टाइम है, ठीक है, कि तुम ये अच्छे से कर सकते हो और आराम से एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पा लोगे। अभी इतना तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है, पैनिक मत होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ठीक है, तुम्हारे पास टाइम है, परेशान ना हो। और अगर सिर्फ इतने ही टॉपिक्स तुम करके जाओगे जितना मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, तो आराम से तुम्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, अगर तुमने चीज़ें पहले से पढ़ रखा है, ठीक है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हैं, और तुम इन टॉपिक्स के ऊपर फिर से रिवाइज कर लेते हो, तो तुम आराम से UP के टॉप कॉलेज जैसे KGMU हो गया, SGPGI, RML, SFI, ठीक है, तो ये सब जिम्स हो गया, तो ये सब कॉलेज तुम आराम से पा सकते हो, इसमें नो डाउट, ठीक है। अगर आपके कोई भी अभी भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मैं अपनी इंस्टाग्राम ID जो है इसमें पिन कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके मेरे को DM करके आप पूछ सकते हो अपने जो भी डाउट्स होते हैं। तो आई होप आपको जो भी इन्फॉर्मेशन थी मेरे द्वारा अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माई मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।